नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी करनाल के घरोंडा से एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक दंपत्ति की कसी मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मुनक पुलिस चौकी के कुताना एरिया में खेत में रह रहे एक पति पत्नी की बुधवार रात किसी अज्ञात ने कसी मारकर हत्या कर दी। दोनों के शव खेत में पड़े हुए मिले हैं और महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला है। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलें भी मिली है। वहीं शव जलाने की कोशिश भी की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घरोंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रामकिशन व ओमवती यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के बाढ़ गाँव के रहने वाले थे। दोनों ने करीब 20 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके बाद से वे हरियाणा में रह रहे थे। फिलहाल वे कुताना एरिया में खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में रहते थे। यह खेत दलदनाना गाँव के सतपाल के हैं। सूचना मिलने पर पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। डीएसपी ने मौके का मुआयना किया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड प्रवीण ने बताया कि मुनक चौकी में सूचना मिली थी कि दो पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर घरोंडा पुलिस मुनक चौकी इंचार्ज मौके पर आए और एफएसएल टीम भी मौके पर आई। मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर करनाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के भतीजे अश्विनी ने बताया कि 20 वर्ष पहले मेरे चाचा रामकिशन लव मैरिज कर ददलाना निवासी सतपाल के पास आ गया था। वह कई वर्षों से यहीं जेरे पर रह रहे थे। हमें यहां सूचना मिली कि किसी ने उनको मार दिया है। अभी हम मौके पर आए हैं और पुलिस चौकी जाकर शिकायत लिखवा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करेंगे। नाम बताइए अपना। अश्विनी है जी। आप क्या लगते हो मृतक को? कौन से गाँव के रहने? गाँव बाढ़, जिला मुजफ्फरनगर। तो कब से रह रहे थे यहाँ जी? लगभग 20 साल से। 12-13 साल। चलो, तो अभी क्या हुआ, क्या सूचना मिली आपको? हमें सुबह 8:30 बजे करीब गांव से किसी का फोन गया था कि ऐसे ऐसे करके ऐसा हो गया। तो फिर क्या मौके पहुंचे आप? बस क्या देखे? तो आपने किसी पे शक है? बस यहाँ तो एक बार आए थे लगभग 8-10 साल पहले। तो कोई पीछे रंजिश है? कोई पुरानी कोई पीछे वहाँ से? कोई रंजिश नहीं है। अच्छा, तो ये लव मैरिज करी हुई थी? हाँ, इनकी लव मैरिज थी। साल से लगभग ऐसे हो गए हैं 30, ऐसे हो गए 30-40 के करीब। तो अलग 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 ब्रादरी के थे? अलग अलग ब्रादरी के थे। ठीक है, नाम बताए अपना। प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी बताए, क्या मामला हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पर रात को जी मर्डर हुआ जी। यहाँ पे सुबह पता चला जी 4-5 बजे चौकी में गया जी। कोई पता पड़ा जी, बोला जी भाई यहाँ पर दो जनों की डेड बॉडी है जी, लाश मिली है। यहाँ पे एक लेडीज है, एक जेंट्स है जी। और यहाँ पे टीम आई थी जी, सारी टीमें आई है। और यहाँ से अपना जो कि उन्होंने अपनी कार्रवाई की अपना। तो पति पत्नी थे? पति पत्नी दोनों थे जी। तो कहाँ के रहने वाले थे ये जी? उत्तर प्रदेश के घर है जी, उत्तर प्रदेश के रह रहे हैं जी। हाँ, ये इन्होंने। तो डेरा किसका है ये? सतपाल का डेरा जी। ये कहाँ रहने वाला है? ये जी ददलाना का जी, ददलाना का रहने वाला है जी। हाँ, ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये मुनक चौकी कुताना का जी, कुताना का एरिया लगता है जी। तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया जी, एम्बुलेंस बुला के। तो किस चीज से हत्या की गई इसकी जी? कसी के साथ जी, शराब पी के। हाँ जी, यहाँ पे एफएसएल टीम आई थी जी, वो उन्होंने अपना सबूत इकट्ठे करके ले गए। हाँ जी, सबूत सबात सब। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।